स्मृति नगर क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और कोहका में चंद्रशेखर नाम के युवक की हुई हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर द्वारा स्मृति नगर में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना दिया गया। शासन प्रशासन से मृत चंद्रशेखर के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। भिलाई शहर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं, बढ़ती नशाखोरी को लेकर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर द्वारा अध्यक्ष राजू चौबे के नेतृत्व में स्मृति नगर में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना दिया गया। भूख हड़ताल पर विश्व हिंदू परिषद के भिलाई नगर अध्यक्ष राजीव चौबे बैठे। धरने पर बैठे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कोहका में चंद्रशेखर की हुई हत्या को लेकर शासन प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही स्मृति नगर क्षेत्र में शाम ढलते ही तेजी से बढ़ रही नशाखोरी पर लगाम लगाने, देर रात तक बेवजह घूमते युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि स्मृति नगर में नशाखोरी तेजी से बढ़ रही है। देर रात तक युवक अपने चार पहिया वाहनों में बैठकर नशाखोरी किया करते हैं। नशे में धुत युवकों द्वारा रास्ते से गुजर रहे लोगों को बेवजह परेशान किया जाता है। नशाखोरी की वजह से कोई बड़ी घटना हो, इसके पूर्व इस पर तत्काल लगाम लगाए जाने की बातें राजू चौबे ने कही। साथ ही चंद्रशेखर के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की। मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आंदोलन का विस्तार किए जाने की जानकारी राजीव चौबे ने दी। दुर्वर भिलाई शहर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और गत तीन दिवसों में जो दो हत्याएं हुई, बड़े जघन्य हत्याएं हुई, एक उसी पार में मलजीत सिंह की और एक कोहका में चंद्रशेखर ठाकुर की। कुर्सी पार में जो घटना हुई उसमें मुख्यमंत्री द्वारा कल घोषणा की गई है कि मृतक के परिवार को उसकी पत्नी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उनकी पत्नी को संविदा नियुक्ति दी जाएगी और उनके बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बड़े अफसोस का विषय है, शर्म का विषय है कि यदि किसी मृतक के लिए किसी के साथ अन्याय होता है, किसी मृतक के लिए एक बड़ा समाज एक बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करता है तभी वो मुआवजे का हकदार होता है। एक गरीब आदिवासी युवक की मृत्यु पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। कल दोपहर को जब मैं चंद्रशेखर ठाकुर के घर पहुंचा, मेरे साथ हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे जो जिला कार्याध्यक्ष पारस जंगेल जी थे, हमारे जिला उपाध्यक्ष निहाल ठाकुर जी थे, बजरंग दल के नगर संयोजक रोहित दुबे थे और हमारे नगर मंत्री संदीप चौधरी थे। हम जब वहाँ गए तब तक एक भी व्यक्ति, शासन प्रशासन, किसी राजनीतिक दल, किसी समाज सेवक, कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा था उनकी सुध लेने के लिए। जब हमारी बात मीडिया में आई तो उसके बाद फिर आज सुबह से मुझे पता चला कि वहाँ लाइन लग गई लोगों को जाने की। लेकिन प्रश्न ये है कि हल क्या निकला इन दो हत्याओं के विरोध में तो हम हैं, लेकिन इसके मूल में जाना अत्यंत आवश्यक है। इन हत्याओं के पीछे, इन आपराधिक घटनाओं के पीछे जो मूल है वो दुर्ग और भिलाई शहर में बढ़ता हुआ नशे का कारोबार है। देर रात तक दुकानों का खुला रहना, मैं जिस जगह में बैठा हूँ स्मृति नगर चौक के बिल्कुल, ये सिटी ऑफ हार्ट कहा जाता है इसको, हृदयस्थल है शहर का, ये मेरे दाएँ हाथ में यहाँ से 20 कदम पे पुलिस चौकी है और इस रोड में यहाँ से लेकर आगे 100-200 मीटर तक रात को 1 बजे तक कम से कम 10 दुकानें खुले रहती हैं और कम से कम 500-700 लोगों का जमावड़ा अलग अलग दुकानों में मिलाकर होता है। तो रात को 1 बजे तक ऐसा कौन सा कारोबार ये कर रहे हैं और ये जो युवक युवती समूह में खड़े हैं वो कर क्या रहे हैं? नशे का कारोबार हो रहा है और इन नशे के कारोबार से कैनरा बैंक से लगी हुई, हमारे स्मृति नगर चौक में कैनरा बैंक है, उससे लगी हुई पार्किंग की जो जगह है, शाम को 5 बजे कैनरा बैंक के बंद होने के बाद रात 7 बजे के बाद वो जगह एक ओपन बार में तब्दील हो जाती है। खुले आम लड़के कार के ऊपर ग्लास रख के उस पर शराब पीते नजर आते हैं और सामने जो होटल और ढाबे वाले हैं वो रात को 1 बजे तक पंजाबी ढाबा उनको चकना और दूसरी चीज़ें सप्लाई करता है, पानी, ग्लास, सोडा, इस प्रकार की चीज़ें उनको दी जाती है। तो खुले आम नशे का धंधा हो रहा है और इसी प्रकार के नशे में, और शराब का हो चाहे फिर अन्य किसी प्रकार का नशा हो, नशे में जब ये समूह में युवक युवती होते हैं तब इस प्रकार की घटनाएं होती है। संस्था द्वारा स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था एक छोटी सी सहकारी संस्था है। संस्था द्वारा अपने स्तर पर हर प्रयास किए गए हैं। मैं यदि आप किसी दिन संस्था कार्यालय आएँ तो आपको मैं पत्राचार दिखाऊंगा कि स्मृति नगर चौकी, सुपेला थाना, CSP भिलाई, एडिशनल SP, SP दुर्ग से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तक हमने पत्र लिखा और गुहार की। पिछले जो SP थे इनके पहले, शरद सिन्हा साहब से पहले,
उन अभिषेक पल्लव जी उनसे हम व्यक्तिगत मुलाकात की, उसके पहले जो एसपी थे उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी। और स्मृति नगर चौकी चूँकि संस्था के भवन में संचालित है, तो जो भी नए चौकी प्रभारी आते हैं हम हर किसी से निवेदन करते हैं, लेकिन इन तरह से इन घटनाओं पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता, प्रयास संस्था के द्वारा सदा से किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि इन मृतक परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इनकी पत्नी चूँकि एकमात्र वो कमाने वाला सदस्य था घर में, उसकी पत्नी और 5 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, चाहे वो संविदा में जैसे इस तरह दी गई है उसी तरह से उनको संविदा की नौकरी दी जाए और उनके बच्चों को भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाया जाए, 5 बच्चों को। यही हमारी मांग है सरकार से। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार हिलने लगी पर्दों की तरह, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरतें बदलनी चाहिए। इन सूरत को बदलना होगा, जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलना पड़ेगा, इन व्यवस्थाओं को बदलकर सुव्यवस्थित रूप से शासन चले, चुस्त दुरुस्त प्रशासन हो, रात के निश्चित समय पर दुकानें बंद हो, रात को आवारागर्दी करते भीड़ में लड़के ना दिखे, ऐसे युवकों के ऊपर कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, निश्चित रूप से सारी आपराधिक जो घटनाएं हो रही है उन पर काफी कुछ अंकुश लगेगा, ये नियंत्रित होंगी। विश्व हिंदू परिषद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए और मृतक चंद्रशेखर के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने की मांग शासन प्रशासन से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।